नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आपका हमारे चैनल टूरिस्ट स्पॉट पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने घंटे को जरूर। दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत जगह घुमाने लेकर चल रहे हैं, तो दोस्तों आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, यकीनन आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत जगह परमहंस आश्रम लेकर चल रहे हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है। यह आश्रम बाबा अड़गड़ानंद जी महाराज का है। मिर्जापुर जिले के नज़रिए से देखा जाए तो ये आश्रम बहुत ही खूबसूरत पर्यटक स्थल है लोगों के लिए। आप यहाँ पे किसी भी समय आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के समय बिल्कुल ऐसा ही मेला लगा रहता है। हर गुरु पूर्णिमा पे यहाँ पे भारी तादाद में लोग आते हैं और इस मेले का बहुत ही लुत्फ़ और इन्जॉय उठाते हैं। तो चलिए अब हमारी जर्नी यहीं से शुरुआत होती है परमहंस आश्रम के लिए। भीड़ देखकर तो आपको अंदाज़ा ही लग रहा होगा कि इस मेले का कितना बड़ा महत्व है हमारे इस मिर्जापुर ज़िले में। ये परमहंस आश्रम का मुख्य द्वार है, जो कि फूलों और मालाओं से बहुत ही सुव्यवस्थित और सुंदर ढंग से सजाया गया है। तो चलिए अब हम इस आश्रम के और भी अंदर चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे किस तरीके की व्यवस्थाएँ लोगों के द्वारा की गई है। यहाँ पर आपको हर जगह बड़े बड़े प्रोजेक्टर लगे दिखाई पड़ेंगे। यह बहुत ही हाईटेक आश्रम है। आप यहाँ पे चारों तरफ से कैमरों की नज़र में रहेंगे। ये वहाँ का बहुत ही बड़ा महल है आश्रम का। अब हम आश्रम के और भी अंदर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पे कौन सी चीज़ें हो रही हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग खाना बनाने का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे लोग अपने दान भाव की सेवा से ही आए हुए हैं। यहाँ पे कोई अलग से वहाँ गुरु जी का ही वर्कर नहीं काम कर रहा है। यहाँ पे हम आप जैसे लोग भी जाके सेवा कर रहे हैं और लोगों का पेट भर रहे हैं। इस आश्रम की खास बात ये है कि यहाँ पे साल के बारहों मास भंडारा चलता रहता है। तो यहाँ पे कोई भी गरीब आदमी या कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पे आता है वह भूखा पेट नहीं रह सकता। उन्हें हमेशा इस भंडारे का लाभ मिलता रहता है। तो मुझे इस आश्रम की ये बहुत ही खास बात और अच्छी बात लगी। इस समय गुरु पूर्णिमा का मेला चल रहा है परमहंस आश्रम में। तो यहाँ पे लोग बाहर ही सोए हुए हैं। यहाँ पे भारी तादाद में देश के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। तो हर लोगों को तो व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो लोग बाहर ही गुजार रहे हैं अपनी रात को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भारी तादाद में लोग आके अपना आश्रय बनाए हुए हैं और बाबा के आने का इंतजार कर रहे हैं।
स्थल है जहाँ पे बाबा आके अपने भक्तों से मिलते हैं। इस आश्रम में आपको पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही अच्छी मिलेगी। आपको हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नजर आ रही हैं और यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि आप को कहीं भी बाहर गाड़ी पार्क करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको एक भी रुपया नहीं लगता है पार्किंग का, तो आप यहाँ पे अपने गाड़ी से भी आ सकते हैं और यहाँ के पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क कर दें। मेरी जर्नी यहीं पे समाप्त होती है, तो अब हम अपने घर को वापस लौट रहे हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, आप लोग इसी तरीके से मेरे इस चैनल पर बने रहें। आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे इस चैनल पर हमेशा और लगातार मिलता रहे।